चलिए दोस्त इस वाले वीडियो का शुरुआत करते हैं एसपी साहब से, यहाँ के हैं नव नियुक्त एसपी साहब। अच्छा देखो यार, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन किस कदर बेवकूफ लोग हैं यार। पता है इनके साथ क्या हुआ है? इनको कहा गया है कि 2 लाख रुपया दीजिए, आपको सीधे बिना यूपीएससी का तैयारी वारी करवाए एसपी बना देंगे। और ये जाके 2 लाख रुपया केकरा दुनी दिए थे, इनको वर्दी थमा दिया। आइए भाई साहब एकदम ड्यूटी में लगे पड़े हैं। कमिंग सर, आइए 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 आइए, आपका स्वागत है सिकंदरा थाना में। दरोगा जी, जी हाँ दरोगा जी पकड़ के लाए हैं एसपी साहब के। आ एसपी साहब पकड़ाने के बाद चोर में गए हैं हम। एसपी, हमको तुम कैसे पकड़ लिया? मनोज सिंह इसको ये काम किया है, एकदम आईपीएस का है, थोड़े पूरे एकदम टोपियों पर आईपीएस है। टोपियों पर आईपीएस है, बैच पर भी, कंधा पर भी आईपीएस है। अबे मजार के उजड़े हुए अगरबत्ती, शकल देख लो अपना जाके एक बार शीशा में, एसपी बनेंगे। अबे जेब कतरा लगते हो, जेब कतरा, पढ़ाई लिखाई करो यार। नहीं तुम्हारी गाड़ में चनू ने काट रहा। चलिए दोस्त अब हम आपको दिखाते हैं पटना के हनुमान मंदिर के नैवेद्यम का सच। कल वाले वीडियो में तो आपको बताया ही था कि किस तरीके से तिरुपति बालाजी के मुख्य प्रसाद में एक रिपोर्ट आया जिसमें पता चला कि गाय के चर्बी और फिश ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद सभी हिंदू शॉक्ड हो गए, हे प्रभु ये कितना बड़ा अनर्थ हो गया हमारे साथ और किस तरीके से मंदिर में साजिश चल रहा है। और इस चीज को लेके हनुमान मंदिर पे भी सवाल उठने लगा कि यहाँ के प्रसाद भी बहुत सारे लोग खाते हैं, जिस पे पटना महावीर मंदिर के ही एक हैं आचार्य कुणाल किशोर, उन्होंने एकदम एक्सप्लेन करके बताया कि हम लोग 94 लाख रुपया से भी ज्यादा का हर महीने घी खरीदते हैं और जितने भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नैवेद्यम बनाने में किया जाता है वो एकदम शुद्ध होता है और उसका किसी भी तरीके से कोई भी जांच आप लोग करा सकते हैं। और इतना ही नहीं, अपने प्रसाद की क्वालिटी के बारे में पूरे पेपर लेके क्या कहा आप खुद सुन लो। भोग से जो भारत सरकार की इकाई है, भोग सर्टिफिकेट देती है, ये सब कुछ हाइजीनिक है, वो सर्टिफिकेट हम लोगों को बराबर मिलता है। और चलिए दोस्त अब बात करते हैं बिहार में जमीन सर्वे के बारे में। और सच बता रहे हैं ये थोड़ा जल्दबाजी में किया गया फैसला नहीं है। आप देख सकते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पे किस तरीके से ये दादाजी खाने सोने के उम्र में कागज जुटा रहे हैं ताकि हमारा जमीन इधर उधर डिस्टर्ब ना हो जाए। सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस तरीके से जमींदारों का जमीन एकदम छिन भिन कर देना चाहती है, इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाया है। आपसे निवेदन है, बहुत जरूरी वीडियो है, इस वाले वीडियो को जाके राजन सिंह मुकुट वाले चैनल पर जरूर देखिएगा। और बात करें जमीन सर्वे के रुझान की तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख लीजिए ना भाई, रोजे तो होते ही रहता है और अभी बढ़िया से शुरू नहीं हुआ है। मार्च अप्रैल में का हो बाबू। चलिए दोस्त अब हम आपको दिखाते हैं पत्रकार का हिम्मत। बस बिहार में 3-4 ऐसा पत्रकार हो जाए ना, बस 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 बिहार का कल्याण हो जाएगा उस 4 लोग से। देखो मामला क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। आजकल देख रहे हैं ना, चपरासी से लेके बड़का अधिकारी तक सब लोगों को यूट्यूबर बनना है, ड्यूटी चलिए रहा है, मोबाइल लेके लगते हैं फोटो खींचने, हेमलेट काहे नहीं पहना है, तो हम हाई कर दिए, एकदम रॉबिन हुड बनने का फुल प्लानिंग जो है उन लोगों का चलता है। और इस पे पुलिस वाले जो है बड़े अधिकारी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें क्या सटीक सवाल पूछा पत्रकार ने। सर एक बलात्कार करता है कोई नाबालिग या चोरी करता है, हत्या करता है, तो हम ना उसका नाम छाप सकते ना फोटो दिखा सकते, लेकिन एक अगर नाबालिग कोई गाड़ी चलाते हुए पकड़ाता है तो उसका सोशल मीडिया में उसको धमकाते चमकाते उसका वीडियो वायरल किया जाता है। कई प्रकरण है, आप एसपी साहब के सोशल मीडिया अकाउंट को खोल लीजिए, उसमें आपको उनके ऐसे कई वीडियो मिल जाएंगे। ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से वो नहीं होना चाहिए, तो इसमें कोई कार्रवाई लेगा एक्शन पुलिस विभाग कि एसपी है करके उनको छोड़ दिए जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी को नहीं छोड़ा जाता है, किसी को भी किसी भी रैंक का अधिकारी तो छोड़ दिया है, अभी तो छोड़ दिया, गलती किया है तो सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी, शासन सभी के खिलाफ। चलिए दोस्त अब बात करते हैं भोजपुरी के बारे में और यहाँ पे पहले ही नंबर पे आ जाती हैं आस्था सिंह। होता यह है आस्था सिंह एक रील बनाती हैं और उस पे रैपर सोहन जो है वो तगड़ा वाला रोस्ट कर देते हैं। रोस्ट करने का रीजन है आस्था सिंह जो है वो रील बनाती हैं और इससे लड़काओं का भावना जो है ना वो आहत हो जाता है। चलिए आइए सोहन जी। तोहर के चाहे सरकारी वाला, बोला काहे ना चाहे लू बेरोजगारी वाला, गल्लुआ के पास तोहर पापा जाले शादी खाती, बाकी तोहर के चाहे दुल्हादारी वाला। ना 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 ना, अभी तो ये सुनिए। 5 किलो मेकअप फॉर द मुंह बे पर रखल, वानी नचे छुनर अपना दिल बे में रख ल। चलो भाई ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा लगा, इस तरीके से रैप में
चलिए दोस्त अब बात करते हैं पवन सिंह के सारे देवी गीत के बारे में। एक ही वीडियो में बड़े लोगों का बहुत शिकायत था कि पवन सिंह का कोई अपडेट नहीं आ रहा है, 15-16 दिन हो गया भाई, अब तो कोई गाना रिलीज कर दो। तो देखो 5 दिन का समय है आपके पास, 5 दिन और इंतजार कर लो, उसके बाद पवन सिंह का सीधा देवी गीत आएगा। अभी फिलहाल कोई लोकगीत का कोई प्लानिंग नहीं है। इतना ही नहीं दोस्त, बात करें अगर देवी गीत का तो 4 से 5 देवी गीत जो है वो पवन सिंह इस बार लेके आएंगे, ज्यादा देवी गीत नहीं आएगा। और हाँ, पिछले बार बोलबम की तरह एकदम खिचड़ पिचड़ नहीं होगा, एकदम क्लीन, एकदम फ्रेश और एकदम टाइमिंग से इन सारे गाने को रिलीज किया जाएगा। बात कर दे चैनल का तो सबसे पहले आपको गाना सुनने को मिलेगा वेब म्यूजिक से, उसके बाद टी सीरीज से देखने को मिलेगा, और पवन सिंह अपने चैनल माँ अम्बा फिल्म से भी लेके आएंगे, और चौथा गाना माइट बी पॉसिबल अपने किसी दोस्त के चैनल से रिलीज कर सकते हैं। और ये है गाने के बारे में पूरा अपडेट। पूरा अपडेट के बाद एक और अंदर का अपडेट है, और वो अंदर का अपडेट ये है कि गाना किस टाइप का होगा, किस जोन का होगा, वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो खूब डांस करने वाला आएगा, जिसमें दुर्गा पूजा में आप एकदम झूम सकते हैं और भसान में एकदम नाच नाच के वो गाना बजा सकते हैं, उस तरीके का रिलीज किया जाएगा। अगला गाना आपको सोलो सॉन्ग सुनने को मिल सकता है, जिसमें पवन सिंह हारमोनिया लेकर सातों रे बहिनिया की तरह कोई एकदम तगड़ा गाना गाएंगे, और उस तरीके का गाना सुनने के लिए बहुत सारे लोग बहुत बेचैन रहते हैं। इतना ही नहीं, अगला गाना जो है वो किसी शिल्पी राज या फिर शिवानी सिंह के साथ किसी के साथ कोलैब में आ सकता है। और एक गाने के बारे में अभी उतना डिटेल पता नहीं है, लेकिन वो भी थोड़ा मतलब मीडियम टाइप का ही आएगा। और ये सारे गाने जो हैं वो रिलीज होगा इस दुर्गा पूजा में ही। और अब मत शिकायत की जाए गाना का अपडेट नहीं देता है, तो ये रहा सारा अपडेट। चलो दोस्त अब बात करते हैं चिंटू पांडे इंटरव्यू पार्ट 2 के बारे में। हाँ, पिछले वीडियो में इन्होंने खेसारी लाल यादव को सारी पर टारगेट करके खूब व्यूज और फेम बटोरा था, इस बार टारगेट किया है सीधे पवन सिंह को, और कहे हैं हम उस सुपरस्टार को स्टार मनवे नहीं करते हैं जो गाना के लिए लड़ते हैं। इतना ही नहीं, पवन सिंह के लकीर के बारे में बोल दिया कि एक वो आप ही लकीर खींचे हैं, लकीर का कोई वैल्यू नहीं है। और इतना ही नहीं, ये भी कहा कि वैसे सुपरस्टार का मेरी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है, जो सुपरस्टार अपने गाने के बारे में आके तारीफ करे कि हमने 100 मिलियन कर दिया, तो हमने 100 मिलियन पहली बार देखा। क्या कहा थोड़ा सा सिंपल सुन लो। एल्बम्स के गानों को लेकर हो रहा है, अरे भाई आप अपने आप को भोजपुरी का सुपरस्टार कहते हो, तो भोजपुरी किसका, आप सिनेमा का सुपरस्टार कह रहे हो अपने आप को, और सिनेमा के सुपरस्टार हो गए आप एल्बम के गानों को लेकर लड़ रहे हो, तो आप काहे के सिनेमा के सुपरस्टार हुए फिर। अच्छा तो ये बात है, खैर आपको जानकारी नहीं होगा, लंदन दुबई में व्यस्त रहते हैं, बिहार में क्या हो रहा है वो जान लीजिए। हिंदी फिल्म जो बॉलीवुड का सबसे बड़ा ग्रॉस कलेक्शन वाला फिल्म बन गया स्त्री 2, उसके मेकर जो है ना वो डंका पीट पीट के हर इंटरव्यू में सारा क्रेडिट पवन सिंह को ही देते हैं कि पवन सिंह एक बहुत बड़े फैक्टर हैं जिसके वजह से स्त्री 2 इतना बड़ा हिट हो गया। इतना ही नहीं, एक स्टेप और आइए और आपको दिखाते हैं लकीर, जिसमें आई नई गाना जो है वो इतना ज्यादा व्यूज लेके आ गया, और इन सब के बाद बड़ा फिल्म फिल्म का रहता रहा। आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो है अभी सबसे रिसेंट 20 तारीख का हॉल का बुकिंग, पूरा हॉल हाउसफुल है। और इतना ही नहीं, एक और देख लो, पूरा फुल टिकट, पूरा हाउसफुल चल रहा है सर, एको को टिकट के उपाय नहीं है, एक सीट अवेलेबल नहीं है। कुल मिला के बात ऐसा है, अपने फलाब का ठिकड़ा जो है वो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव पे फोड़ रहे हैं दोस्त। लेकिन ये भी फैक्ट है, भोजपुरी का ऑडियंस बहुत तेज है, बहुत तेज। इलाका चिंटू पांडे का और धमाका खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का हो गया। नहीं नहीं, इनके इंटरव्यू में ही इनको इतना तगड़ा रेला है ना कि क्या बताएं। और इतना ही नहीं, एक आदमी इनके सपोर्ट में नहीं आया भाई, इन्हीं के इंटरव्यू में। चलो दोस्त अब बात करते हैं तूफानी लाल यादव के बारे में, ये कहां चुप रहते हैं। इनका एक बड़ा अतरंगी पॉइंट ऑफ व्यू है, चिंटू पांडे आके बोल रहे हैं पवन सिंह को, खेसारी लाल यादव को अपने फिल्म चलाने के लिए अजीब अजीब तरीके का पैतरा आजमा रहे हैं, जिसमें तूफानी लाल यादव एकदम अपने ही अंदाज में क्या रिले हैं। ऑटो ट्यून लगा गा देने से नहीं हो जाएगा, अब गाते हैं तो खुद उनको मालूम चलता होगा कि एक्टिंग, तो मान लीजिए पिताजी डांस सिखा दिए सबको नाचने आ जाता है लमसम, तो आप उस घर में उस परिवेश में पैदा हुए हैं, तो आप सोना का चम्मच तो लेकर पैदा हुए ही हैं, लेकिन साथ में हीरा मोती का जड़ा हुआ मुकुट भी लगा के आप पैदा हुए हैं। चलो दोस्त अब हम आपको दिखाते हैं बिहारी बॉय प्रो मैक्स। देखो बाहर के जितने सारे लोग होते हैं, अगर उनका पुलिस से बकझक हो जाए तो बहुत अदब से बहुत ही सभ्य शब्दों में पुलिस के सामने अपना बात रखते हैं, लेकिन यहाँ पे बिहारी बॉय जो है वो YouTube पे 2-4 वो वीडियो देख लिए थे कि पुलिस के सामने हम बात रख सकते हैं, और बात रखते रखते कहां तक चले गए खुद सुन लो। सीख लीजिए डंडा चलाना छोड़ दीजिए, आज आज हम मिले हैं मेरे जैसे आदमी से, सीख लीजिए कुछ नहीं सीख, नहीं तो कितनी दिक्कत हो जाएगा। उम्र बहुत मैं जितना अभी उम्र है आज खत्म हो जाएगा, तुरंत हम लगा देते हैं। गलत आदमी से मत भी आज जाइएगा, हाँ गलत आदमी से मत जाइएगा, सब आपके जैसा नहीं है, घुस दे के सारा पुलिस बना हुआ, समझ नहीं, हाँ लाड़ से नहीं है समझ, झाड़ू खा लोगे मेरा।
चलो दोस्त अब बात करते हैं बिहार के सबसे बड़े प्रॉब्लम के बारे में और वो है स्मार्ट मीटर। और इस बार तो मनमानी का सारा लेवल पार कर गया भाई। देखो हुआ क्या, हम आपको बताते हैं। स्मार्ट मीटर को लेके गांव के लोग जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि इसमें बहुत ज्यादा बिल आ रहा है, पहले हमारा बिल बहुत कम आता था लेकिन इस बार सारा रिकॉर्ड टूट गया है और लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ये चीज जैसे ही बिजली विभाग को पता चला स्मार्ट मीटर वाले को, वो गांव में बिजली काट दिए। लोग परेशान त्राही माम करने लगे, गर्मी देख ही रहे हैं, मोबाइल चार्ज करना है, बहुत पछतरों काम है। लोग जाके डीएम साहब के सामने गुहार लगाए कि हमारे गांव में बिजली चालू करवा दीजिए। और मनमानी ऐसा कि पूरे 72 घंटे तक उस गाँव में बिजली कटा रहा बस इस बात के लिए कि आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। ये थोड़ा ज्यादा ना हो गया स्मार्ट मीटर का मनमानी? स्मार्ट मीटर लोग लगाने आए थे बिजली विभाग के, लोगों ने जब मना किया या बहस किया तो पूरे गांव की 2 दिन से लाइन काट दी गई है, जिसे बूढ़े बुजुर्ग रोगी सब परेशान है, मर रहे हैं, पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। चलो दोस्त अब बात करते हैं बिहार के युवाओं के जोश के बारे में। भाई साहब अंदर कितना जोश भरा है वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है वो एक इवेंट में पहुंचते हैं, इवेंट में जो है वो टैंक में मछली डाल देते हैं ताकि वहां पे मतलब कुछ मैसेज देना चाहते होंगे मछली डाल के, और नीतीश कुमार मछली डाल के वहां से निकल जाते हैं। फिर जो विजुअल्स देखने को मिलता है एकदम बांग्लादेश में कैसे सब मछली लेके भाग रहा था, मुर्गा लेके भाग रहा था, उस तरीके से ही आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से वो मछली के टैंकर में घुस के तैर तैर के मछली निकाल के सब लोग भाग गया। बताइए यार, मतलब थोड़ी तो मर्यादा रखिए। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का तगड़ा वायरल वीडियो।